आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति पुतिन सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पुतिन के इस दौरे से भारत को वो ताकत मिलने वाली है जिससे उसका कद वैश्विक पटल पर और ऊंचा होगा। बता दें कि रूस के जरिए भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए की कमी कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से कटौती के बाद बीजेपी एवं केंद्र शासित 14 राज्यों ने भी 2.5 रुपए की कमी कर दी है। इस तरह से कई राज्यों में लोगों को 5 रुपए की राहत मिल रही है। हालांकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से वैट में कटौती ना किए जाने के कारण राजधानी में लोगों को सिर्फ 2.5 रुपए की ही राहत मिल रही है। हम लोग 1.5 रुपया 1.50 रुपए कम करेंगे और जो OMCs है वो 1 रुपए की कटौती अपनी प्राइसिंग में फैक्टर इन करेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग 2.5 रुपए तुरंत कंज्यूमर्स को इसका रिलीफ देंगे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ी विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे मुकदमे की 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। बता दें कि VHP से जुड़े देश के करीब 40 संत दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया कि मोदी के सत्ता में आने से हिंदू समाज को राम मंदिर निर्माण की उम्मीद जागी थी, लेकिन इस दशा में अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। इसलिए देश के प्रमुख साधु संत बैठक कर अपनी भावनाओं को अवगत ही नहीं कराएंगे, बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए आगे ठोस कदम भी उठाएंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंतेला के पीपली स्टैंड फ्लाईओवर पर एक भयानक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 3 वाहन एक साथ भिड़ गए। हादसे में मिनी ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं बस में सवार 4 लोग जख्मी भी हो गए। बता दें कि फ्लाईओवर पर आगे चल रही एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रक बेकाबू होकर आगे चल रही ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आ रही निजी बस भी टकरा गई और दोनों फ्लाईओवर की रेलिंग में लटक गई। वहीं फ्लाईओवर पर 20 फीट पर लटक रहे बस में सवार 40 लोगों को करीब 30 मिनट बाद निकाला गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर आएंगे। जल्द ही उनके कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। साथ ही वसुंधरा के शेरनी वाले बयान पर कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता का ही शिकार कर लिया है। भाजपा नेता चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकार के बीच मतभेद चल रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग सभा कर रही हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अलग सभाएं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के राज में कर्मचारियों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। चॉइस है, क्योंकि अमित शाह जी शेखावत जी को बनाना चाहते थे, वसुंधरा जी किसी और को बनाना चाहती थी, और 75 दिन तक जो शीत युद्ध हुआ इस नौकरी को करने के लिए 75 दिन तक भाजपा का अध्यक्ष कौन बने, इसको लेकर बहुत जद्दोजहद करी और अंत में जाकर उनको कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मिला है। अब सब व्यक्ति अपने पार्टी में अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये तो समय बताएगा। लेकिन कि वसुंधरा और बीजेपी के नेताओं ने अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को अजमेर के अंदर, तो प्रधानमंत्री
वो हमेशा की तरह बहुत लंबे बड़े भाषण देंगे, लेकिन मेरा दिल्ली में किसानों का आंदोलन समाप्त होने के बाद शामली में किसानों ने जाम लगा दिया। बता दें कि अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 सितंबर को किसानों ने क्रांति यात्रा शुरू की थी, जिसकी अगुवाई भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे थे। शामली में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के विरोध में जाम लगाया और अपनी अधूरी मांगों को पूरा करने के लिए धरने पर बैठ गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। फ्लैश सेल में आप सबका स्वागत है। इस फ्लैश सेल में आप देखेंगे सेंसर स्पीकर और मोबाइल वॉच। इस सेंसर स्पीकर में ऑडियो रिसीविंग सेंसर है, इससे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ या हैंड फ्री जैसी चीजों की कोई जरूरत नहीं। बस अपने मोबाइल को इसके ऊपर इस तरह रख दीजिए। सेंसर स्पीकर में बहुत से फीचर्स हैं। पहला है ये हैंड फ्री। इस स्पीकर का बेस पावरफुल है, मल्टी फॉर्मेट डिकोडिंग है, क्लियर साउंड है, लॉन्ग लास्टिंग स्टैंड बाय है, साथ ही ये बहुत ही कंपैटिबल भी है। इसमें 6 फीचर्स है, इसलिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसे इस्तेमाल करना आसान है। ये देखिए ये ब्लैक कलर सेंसर स्पीकर कितना खूबसूरत और स्टाइलिश है। ये सिर्फ इंडोर्स में ही नहीं, दोस्तों के साथ आप इसे आउटडोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में काम करते हुए, दुकान में काम करते हुए, डांस क्लास में डांस करते हुए, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ पार्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस वन टच बटन को दबाया और ये ऑन हो गया। मोबाइल में सॉन्ग प्ले किया, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत कम है ना। अब मैं इसे सेंसर स्पीकर के साथ कनेक्ट करूँगी। वाह, ये तो कान फाड़ने वाली आवाज़ है। अब मैं इस मोबाइल को सेंसर स्पीकर से उठाती हूँ। अब फर्क देखिए, आपके लिए एक कमाल का स्पेशल कॉम्बो ऑफर, सेंसर स्पीकर विद मोबाइल वॉच। अब आपका मोबाइल फोन आपको एक थिएटर जैसा फील देगा। ये सेंसर स्पीकर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो बिना वक्त गवाए फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और घर लाइए ये शानदार सेंसर स्पीकर विद मोबाइल वॉच। चलिए अब इस मोबाइल वॉच के बारे में बात करते हैं। अब आपको रिस्ट वॉच और मोबाइल, इन दोनों अलग अलग चीजों की क्या जरूरत है? ये दोनों मिलकर आपके पास होगी एक मोबाइल वॉच। ये सिर्फ वॉच ही नहीं, इसमें है स्मार्टफोन में मिलने वाले सारे फीचर्स। इस 5-in-1 ब्लूटूथ मोबाइल वॉच में है एक ब्यूटीफुल वॉच, एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन, एक कैमरा, एक स्लीप मॉनिटर और इसके अलावा एक फिटनेस ट्रेनर। इसे कहते हैं 5-in-1। ये बहुत स्लीक है, ट्रेंडी है और दिखने में बहुत स्मार्ट है। इसके फीचर्स अनगिनत हैं। इसे आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ आसानी से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इस मोबाइल वॉच में है इनबिल्ट कैमरा, QR कोड, ब्लूटूथ, ऑडियो वीडियो फोटो कैप्चरिंग, कॉन्टैक्ट, कॉल मेमोरी, SMS मेमोरी, मैसेजिंग, कॉल लॉग, कैलेंडर, कैलकुलेटर, 3 वॉच डायल्स, अलार्म, एंटी लॉस्ट, पीडोमीटर, सेडेंटरी रिमाइंडर और स्लीप मॉनिटर। अब आपको मिल रहा है ये सेंसर स्पीकर और मोबाइल वॉच इस वसत के कॉम्बो ऑफर में। सेंसर स्पीकर का ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर फौरन एक मिस्ड कॉल दीजिए। ये सेंसर स्पीकर आपके मोबाइल से गाने सुनने और वीडियो देखने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मोबाइल से आम तौर पर धीमी आवाज वाले गानों को आप सेंसर स्पीकर से 5.1 की तरह लाउड और क्लियर सुन पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकमिंग कॉल्स भी लाउड और क्लियर सुनाई देंगे, आपका एक भी कॉल मिस नहीं होगा। इस स्पीकर का इस्तेमाल करने पर आपके मोबाइल की बैटरी का लेवल कम नहीं होगा। इस सेंसर स्पीकर को कुछ ही देर चार्ज करने पर आप पूरे 6 घंटे मूवी देखने के साथ गाने भी सुन सकते हैं। इसका वजन सिर्फ 300 ग्राम है और ये पोर्टेबल है, इसलिए इसे यूज करना और इसे कैरी करना भी बहुत ही आसान है। सेंसर स्पीकर अलग अलग कलर्स में मिलता है, आप अपना मनपसंद कलर चुन सकते हैं। तो सेंसर स्पीकर विद मोबाइल वॉच के इस कॉम्बो ऑफर के लिए फौरन ऑर्डर दीजिए। ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, ये टीनएजर्स से लेकर बुजुर्गों तक सबको बहुत पसंद आएगा।
तो देर किस बात की, फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल दीजिए। इस कॉम्बो ऑफर के लिए 0444-6610-5106 पर फौरन एक मिस्ड कॉल दीजिए। आपसे मोबाइल फोन कॉम्पैक्ट होकर आपके रिस्ट पर होगा, मेरा मतलब मोबाइल वॉच बनकर आपके रिस्ट पर रहेगा। जब ये मोबाइल वॉच आपके रिस्ट पर हो तो आप बहुत ही फ्री महसूस करेंगे, आई मीन कॉल्स को आप फ्रीली अटेंड कर पाएंगे। इसे कान के पास ले जाने की जरूरत नहीं, यानी अब सब कुछ आसान हो गया। इस मोबाइल वॉच में सिम स्लॉट भी है, बिल्कुल आपके एंड्रॉइड फोन की तरह। इससे आप फोन कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ की मदद से सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ कम्फर्टेबल हो तो आज ही इसे खरीदिए और अपनी रिस्ट पर पहनिए। आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस को आप अपने मोबाइल फोन पर चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने स्मार्टफोन कैमरे को इस मोबाइल फोन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे वॉच डायल के 3 ऑप्शंस। इसमें इनबिल्ट कैमरा है, जैसी आप चाहें वैसी फोटो ले सकते हैं और वो भी सिंगल क्लिक में। कॉल लॉग में जाकर आप अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसका कैलेंडर और कैलकुलेटर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसका इम्पोर्टेंट फीचर है एंटी लॉस। अगर आप अपना एंड्रॉइड इधर उधर रख दें तो इस फीचर के जरिए आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके पीडोमीटर की मदद से आप अपने फुटस्टेप्स को काउंट कर सकते हैं, साथ ही आपने कितनी कैलोरी बर्न की है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये पर्सनल फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपको सब बता देगा। अगला फीचर है सेडेंट्री रिमाइंडर, जो हर काम के लिए आपको रिमाइंडर देगा। इसका जो स्लीप मॉनिटर है वो आपकी नींद को मॉनिटर करेगा। इसका स्टैंडबाय टाइम है 72 आवर्स, मतलब आप इसे 3 दिन तक बिना चार्ज किए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। इतने सारे अमेजिंग फीचर से बने इस मोबाइल वॉच को सेंसर स्पीकर के साथ पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फौरन एक मिस्ड कॉल दीजिए। नॉर्मल सॉन्ग्स को डिजिटल इफेक्ट में सुनने का आनंद ले अपने सेंसर स्पीकर से। आज ही फायदा उठाइए इस कॉम्बो ऑफर का। इस स्पीकर से गाने सुनिए, वीडियो देखिए और आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। ये एक लिमिटेड स्टॉक ऑफर है, इस ऑफर को हाथ से जाने ना दें। उसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि जब आपके पड़ोसी इसका ऑर्डर देकर गाना सुनेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपने एक सुनहरा मौका गवा दिया। इसलिए फौरन फोन उठाइए, मिस्ड कॉल दीजिए और इस कॉम्बो ऑफर का फायदा उठाइए। इस कॉम्बो ऑफर के लिए 0444-6610-5106 पर फौरन एक मिस्ड कॉल दीजिए। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपी के कन्नौज में एक घर में अचानक सांप निकलने की रोचक घटना घटी है, जिसके बाद सांप को देखकर दहशत में आए ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सपेरे को दी। जब सपेरे ने सांपों को निकालना शुरू किया तो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिने जाने वाले 14 किंग कोबरा सांप निकले और आधा दर्जन से ज्यादा सैकड़ों सांप के अंडे निकले। दरअसल महेश गुप्ता मकान में पत्नी विजय लक्ष्मी और 7 बच्चों के साथ रहते थे। मंगलवार की रात उस घर में 2 सांप दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने सपेरे को बुलाया। पकड़े थे सांप 18 और यहाँ भी पकड़े 14 लाख हमने, और भी निकल सकते हैं सांप, और हो भी सकते हैं इसमें सड़क निकलते रहेंगे और निकलेंगे। कच्चा मकान, उसमें कोई पता नहीं है कितने हैं कितने नहीं है। बिजनौर के साहूवाला रेंज में काफी दिनों से एक हाथी के बच्चे ने कोहराम मचा रखा था। वन विभाग की टीम ने इस बच्चे को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, परंतु छोटा हाथी गांव में दोबारा आ पहुंचा। वन रक्षकों ने बताया कि यह बच्चा अपने परिवार से तूफान और बारिश के समय भटक गया होगा। फिलहाल वन विभाग के उच्च पदाधिकारियों के आदेश मिलने के बाद बच्चे को चिड़ियाघर भेज दिया जाएगा। सावाला रेंज के और सावाला बीट के बीट प्रभारी है, और ये बच्चे की जो है सूचना मिली थी गांव से कि गन्ने के खेत में बच्चा घूम रहा है नैन सिंह के, तो वहाँ हम सब लोग इकट्ठा वहाँ हो गए। हमारे महिपाल दरोगा जी, वन क्षेत्र अधिकारी, सभी लोग वहाँ पहुँचे, स्टाफ के आदमी,
और इसको बच्चे वहाँ से पढ़ के यहाँ वाच टावर पर लाए हैं। अभी जो है यहाँ वाच टावर पर रखा हुआ है और उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार ही इसको जैसे भी वो कहेंगे वैसे किया जाएगा, चिड़ियाघर पहुँचाया जाए या जहाँ पे या यहीं पाला जाए। अभी तक उनका आदेश नहीं आए हैं, आदेश आने पर ही हम आपको कुछ बात बता पाएंगे। कुशीनगर पुलिस ने सुनीता देवी के अपहरण व लूट के बाद हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लूट के 6,66,000 नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी ने पैसे की लालच में युवती को लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी थी और शव को राप्ती नदी में फेंक दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त को संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। आज कुशीनगर पुलिस के थाना रामकोला क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में दिनांक 23 सितंबर को एक फूलकली देवी है, उन्होंने अपनी पुत्रवधू के गायब होने के संबंध में थाना रामकोला पे सूचना दी थी और इस संबंध में थाना रामकोला पे धारा 364 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस सनसनीखेज घटना का अनावरण किया है। इस घटना का अनावरण करते हुए इस घटना से संबंधित अभियुक्त के जब से भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में आई है तभी से किसानों की आय दूना करने की बात करती चली आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को अपना बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। कुशीनगर जनपद को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था क्योंकि इस जनपद में कुल 8 चीनी मिलें हुआ करती थीं, लेकिन अब इस जनपद में सिर्फ 5 चीनी मिलें ही चालू हालत में हैं। बता दें कि यहां के चीनी मिलों का कुल गन्ना मूल्य भुगतान लगभग 210 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसको लेकर किसानों ने सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार हमेशा से ही किसानों के हित के विपरीत काम किया है। वहीं किसानों के धरने में पहुंचे अपर जिलाधिकारी कृष्णलाल तिवारी ने कहा कि चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में 30 नवंबर तक कर दिया जाएगा। 3,000 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान अपने गन्ने की खेती से अपने बेटी की शादी करता हो, परिवार की दवाई करता हो, बच्चों की पढ़ाई करता हो, वो किसान जब गन्ने का दाम मांगता है तो सरकार लाठी और गोली चलवाती है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पराना जिले के सभी चीनी मिलों का गन्ना मूल्य का भुगतान तत्काल करा दिया जाए। प्रधानमंत्री चीनी मिलों के भुगतान के संबंध में बैठक में निर्णय हो गया है और 30 नवंबर तक इसका भुगतान हो जाएगा। देखिए बद से बदतर हालत है। सरकार प्रयास लगा कि किसान बैठा रहता है भरोसा करके, लेकिन किसान काउट लेने के बाद सरकार फिर से खामोश हो जाती है। किसी जमाने में इस कुशीनगर और देवरिया जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ पहले के जमाने में 14 चीनी मिले थी, आज 9 हैं, 9 में 6 बची हैं और गन्ना उधार गिराने के लिए हम बेबस हैं, मजबूर हैं, क्योंकि ये हमारा नकदी फसल है। इसी से हम अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटियों बेटे की शादी और अपना मकान बनवाना या कोई बड़ा रचनात्मक काम हम इसी पैसों से करते हैं और कहीं से भी, चूंकि खाद बीज कीटनाशक दवाइयों का। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।